हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास एट। क्लास एट की हमारे पास क्वेश्चन हो चुके हैं 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये बताना हमें, फाइंड द लिस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर विच मस्ट बी एडिड, जो ऐड करना है हमें टू ईच नंबर, हर नंबर में, सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ये बताना है आपको कि हम वो छोटे से छोटा नंबर क्या ऐड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, और वो जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। फर्स्ट है हमारे पास 525। 525 का पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैक साइड से पेयर बनाना स्टार्ट किया, एक 25 का हो जाए एक 5 का, फिर 2 से कर देंगे हम 2 जहाँ 4, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 5 एज इट इज़, 2 + 2 4 आ जाएगा, यहाँ भी 2 लगा दिया हमने, यहाँ भी 2, 42 के 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे 84 आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे हमारे पास क्या आया 41। अब जो पीछे क्वेश्चन था हमारा फोर्थ, उस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, जो हमारे पास रिमाइंडर बचता था उसको इस नंबर में से माइनस कर देते थे तो 63 का स्क्वायर रूट बन गया। बट जब हमें ऐड करने के लिए पूछा गया है तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास किसका है 22, इट मीन्स 22 का तो परफेक्ट स्क्वायर है, उससे कुछ ना कुछ बड़ा नंबर है ये, अगर बड़ा है नंबर है तो ऐड करने के लिए हमें 23 का ही बनाना पड़ेगा, इससे एक बड़ा आगे बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज 41 सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज, नेक्स्ट ये तो 22 है, इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 23, 23 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना आया 529, हेंस नंबर 2 भी, तो हमें क्या नंबर ऐड करना है, अब ये बनाना हमें क्या है 529, नंबर क्या है 525, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, 529 माइनस 525 इज इक्वल टू 4, तो जो ये नंबर है इसके अंदर हम अगर 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 529, जो कि किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 23 का, द स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट 1750। सबसे पहले इसके हम बैक साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पेयर 50 का हो जाएगा, सेकंड पेयर हमारे पास 17, 4 जहाँ 16, 17 में से 16 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आया 1, नेक्स्ट पेयर हमारे पास क्या है 50, तो नेक्स्ट पेयर हमने एज इट इज़ उतार लिया 50, 4 + 4 क्या आ जाएगा 8, यहाँ भी 1 लगा दिया, यहाँ भी 1, 81 की 1 के साथ कर देंगे क्या आया 81 आ जाएगा, अब 150 में से 81 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 69, अब 69 आ गया हमारे पास, तो हमें क्या करना है, ये 41 है, 42 का स्क्वायर रूट बनाना है, तो क्या करेंगे, रिमाइंडर इज 69, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 42, अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 41 के बाद 42 आएगा, 42 का स्क्वायर आ जाएगा 1764, ये कितना है 1750, ये 64 है, तो कितना डिफरेंस है इनमें 14 का, 1764 माइनस 1750 इज इक्वल टू 14, तो हमारे पास नंबर 2 भी एडिट, क्या नंबर ऐड करेंगे हम 14, और परफेक्ट स्क्वायर किसका बन जाएगा 42 का। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड 252। सबसे पहले 252 के हमने पेयर बनाए बैक साइड से, तो फर्स्ट पेयर हमारे पास 52 का बन गया, सेकंड हमारे पास 2 का, अब 2 है तो 1 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, नेक्स्ट पेयर हमारे पास क्या है 52 आ गया तो 152 हो गया, 1 + 1 कितना आएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 5 लगा दिया, यहाँ भी 5, 25 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा 125, 152 में से 125 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आया 27, अब ये तो 15 से ज़्यादा हो गया, 15 से ज़्यादा है तो हमें नेक्स्ट के लिए कितना आएगा 16 का बनाना है, रिमाइंडर इज 27 एंड नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 16, 16 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 256, ये कितना है 252, तो डिफरेंस क्या आएगा 256 माइनस 252 इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास नंबर 2 भी एडिड, क्या नंबर ऐड कर देंगे 4, टू में के परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 16, 16 का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। नेक्स्ट है फोर्थ 1825। सबसे पहले हमने इसके पेयर बनाए बैक साइड से, एक 25 का बनेगा एक 18 का,
फोर फोर जा 16, 18 में से 16 जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास, फिर नेक्स्ट पेयर क्या है 25, तो 225 आ गया। 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ भी 2 चढ़ा दिया, यहाँ भी 2, 82 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 164 आएगी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम 61 आया। अब रिमाइंडर इज 61, रिमाइंडर हमारे पास क्या है 61 है, एंड नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वेयर नंबर इज, और अगला जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर नंबर है वो हमारे पास क्या है 43, 43 का स्क्वेयर कर देंगे 1849, ये कितना है 25, ये 49 आ गया, तो डिफरेंस निकाल देंगे 1849 माइनस 1825, ये कितना आ जाएगा 24, तो सो नंबर टू बी एडिड, हमें क्या नंबर ऐड करना पड़ेगा 24 टू मेक ए परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 43, हमें 43 का परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए 24 ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, 6412, सबसे पहले पेयर बनाएंगे, एक 12 का पेयर आएगा एक 64 का, 88 जा 64, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे 0 आ गया, नेक्स्ट हमारे पास 12 आया, 8 प्लस 8 16, अब 16 है यहाँ पे भी नंबर चढ़ाना है और यहाँ भी, तो 16 ही 12 से बड़ा है तो और नंबर चढ़ाने से तो बड़ा आएगा ही आएगा, तो हमने क्या किया यहाँ भी 0 लगा दिया, यहाँ भी 0, 160 के 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो हमारे पास इसमें से माइनस कर देंगे क्या आया 12, सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वेयर नंबर इज, या 81 था तो 81 का परफेक्ट स्क्वेयर नंबर बनाना है, 81 स्क्वेयर इज इक्वल टू 6561, सो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो डिफरेंस क्या आएगा 149, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 149 परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए, किसका 81 का, नंबर टू बी एडेड 149 टू मेक ए परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 81। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वेयर, हमें क्या निकालना है लेंथ निकालनी है एक साइड ऑफ ए स्क्वेयर, एक स्क्वेयर की साइड निकालनी है, हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वेयर, जिसका एरिया 441 मीटर स्क्वेयर है, हम मान के चल पड़े लेट लेंथ ऑफ साइड, हमने लेंथ कितनी मान ली x, एरिया ऑफ स्क्वेयर हमारे पास क्या आ जाएगा साइड स्क्वेयर, ये हमारे पास एक स्क्वेयर है x मान ली हमने लेंथ, x हमने कैसे मान ली क्योंकि स्क्वेयर है, स्क्वेयर की सभी साइड्स इक्वल होती है, तो एक की हमने x मान ली तो सभी साइड्स क्या आ जाएंगी एक्स एक्स, एरिया ऑफ स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वेयर, साइड हमारे पास क्या है x, तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का स्क्वेयर किसके इक्वल है, गिवन में क्या है 441, तो x स्क्वेयर इज इक्वल टू 441, अब स्केयर है स्केयर को इधर लेके आएंगे स्केयर रूट बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 441, 441 का स्केयर रूट निकालेंगे, 441 को पेयर बनाएंगे बैक साइड से, ये पेयर और ये पेयर 2 2 जा 4, 4 में से 4 जाएगा 0, नेक्स्ट पेयर आ जाएगा 41, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा और यहाँ भी 1 वहाँ भी 1, 41 के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 41 आ जाएगा, तो हमारे पास किसका परफेक्ट स्क्वेयर बन जाएगा 21 का, x इज इक्वल टू 21 मीटर आ गया, साइड ऑफ स्क्वेयर इज 21 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, जिसके अंदर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और उसका एक एंगल बी है वो क्या है 90 डिग्री, इफ ए बी इज इक्वल टू, ए बी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, फाइंड ए सी, ये हमें फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या है, जो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है इसके जो अपोजिट बिल्कुल सामने साइड होती है वो होती है हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट साइड, और नाम होता है उसका हाइपरटेन्यूज, और हाइपरटेन्यूज है ये हमारे पास क्या होता है इसका बेस हो गया, और ये क्या है इसका परपेंडिकुलर, अब ये हमारे पास गिवन है ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू फाइंड करना है यूजिंग पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है हाइपरटेन्यूज का स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस ए बेस स्क्वेयर, तो इसको हम क्या लिख देंगे ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ए सी हमारे पास है कुछ नहीं है तो एज इट इज रख लिया, ए बी हमारे पास क्या है 6 का स्क्वेयर प्लस ये हमारे पास 8 है 8 का स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 का स्क्वेयर 36 प्लस 8 का स्क्वेयर 64,
ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, दोनों को प्लस कर देंगे हमारे पास क्या आया 100। ए सी इज इक्वल टू स्क्वेयर है, इसको इधर लेके आएंगे रूट हो जाएगा, तो 100 का स्क्वेयर रूट आ गया। अब हम 100 का क्या करेंगे, रूट फाइंड करेंगे कैसे। 100 का हमने बैक साइड से पेयर बनाया, डबल ज़ीरो का पेयर बन जाएगा, एक वन है, वन वन जा वन आ जाएगा। फिर हमारे पास डबल ज़ीरो एज इट इज़ लेके आए हम वन, और यहाँ पे वन प्लस वन क्या आएगा, टू आएगा, तो यहाँ भी मैंने ज़ीरो लगाया, यहाँ भी ज़ीरो लगा दिया। 20 की ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दें क्या आएगा, ज़ीरो ज़ीरो, इसमें से माइनस कर देंगे फिर भी क्या आया ज़ीरो। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये 10 का। ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड, इफ़ ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ए सी हमारे पास है 13 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड ए बी। ए बी हमें फाइंड करना है, तो यूजिंग पीजीटी थ्योरम। पीजीटी थ्योरम क्या है, वही है हमारे पास, हाइपरटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपरटेन्यूज है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी हमारे पास कितना है 13, तो ये क्या आ जाएगा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। तो 169 ये इधर प्लस है, इधर लेके आएंगे माइनस आ जाएगा, 169 माइनस 25 144 आ गया इधर एज इट इज़। फिर स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 144 का रूट। अब 144 का हम रूट निकालेंगे, देखो बैक साइड से हमने पेयर बनाया, एक 44 का बनेगा, एक वन एज इट इज़, वन वन जा वन, वन में से वन जाएगा ज़ीरो। नेक्स्ट पेयर क्या है 44, वन प्लस वन टू, यहाँ भी टू लगा दिया, यहाँ भी टू, 22 भी टू से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 44, तो माइनस में क्या आ जाएगा इसके करने से ज़ीरो आ गया। तो हमारे पास ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स, एक गार्डनर के पास 1000 पौधे हैं। ही वांट्स टू प्लांट दिस इन सच ए वे दैट, वो उन पेड़ों को इस वे से लगाना चाहता है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम, कि नंबर ऑफ रो कि जितनी रो हैं उतने ही क्या बन जाए कॉलम बन जाए, उसको ऐसे लगाना चाहता है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर द फॉर दिस, इसको ऐसा बनाने के लिए उसको कितने पेड़ों की और ज़रूरत होगी। देखो टोटल प्लांट्स कितने हैं 1000 है, अब 1000 का हमें परफेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल करना है हमें, तो नंबर ऑफ़ रो और कॉलम इक्वल करना है तो दोनों को एक्स एक्स ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके लिए हमें रूट निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो 1000 का हमने रूट निकाला, बैक साइड से पेयर बना दिए, 3 3 जा 9, 10 में से 9 जाएगा 1, नेक्स्ट 20 आ गई, 3 + 3 6 आ गया, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, 61 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 61, इसमें से माइनस कर दिया 39। अब देखो 31 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद अगर 31 कंप्लीट होने के बाद बचा है तो हमें तो ज़रूरत है और भी बनाने के लिए कितने पौधे चाहिए, तो हम कितने बनाएंगे 32 के लिए बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज 39 एंड 32 स्क्वायर इज इक्वल टू 1024, ये कितने हैं 1000 है, तो कितने पेड़ों की और ज़रूरत है 24 की। नंबर टू बी एडेड, 1024 माइनस 1000 इज इक्वल टू 24 बच गया, तो क्या लिखेंगे, द गार्डनर रिक्वायर 24 मोर प्लांट्स, गार्डनर को 24 प्लांट्स की और ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, देर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल, एक स्कूल के अंदर 500 चिल्ड्रन है। फॉर ए पी टी ड्रिल, एक पी टी ड्रिल के अंदर दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, उनको पी टी की ड्रिल है जो उसमें इस वे से खड़ा किया गया है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन द अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में से कितने बच्चों को अलग निकाल, कितने बच्चे बच गए लेफ्ट छोड़ना पड़ेगा कि उनको इक्वलिटी करने के लिए। 500 है, 500 का हमने रूट निकाला, ये डबल ज़ीरो का ये 5 एज इट इज़, 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा 1, डबल ज़ीरो,
अब 100 आ गया, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 लगा दिए, यहाँ भी 2, 42 भी 2 से कर देंगे 84, इसमें से माइनस कर दिया 16। तो देखो हमारे पास कंप्लीट कितनी बन गई, 22 रो बन गई, और बचेंगे कितने, 16। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 500 बाय गेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इन ईच रो, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 22। हर एक रो के अंदर कितने बच्चे होंगे, 22, हर एक कॉलम में भी 22, और कितने बच्चे बचेंगे, तब 16, लेफ्ट आउट चिल्ड्रन आर 16, तो हमारे पास 16 बच्चे बच जाएंगे। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.4। ओके, थैंक यू।